मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुरू होकर व्यापम चौराहे तक पहुंचा, जहां कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ढोलक मंजीरे बजाते हुए पहुंचे और धरना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी ईडी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग और वोटर कैनन का उपयोग कर रोक दिया। इस पर कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, बाजू जंडेल और महेश परमार बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इससे विधायक आरिफ मसूद, महेश परमार और कई कार्यकर्ता नीचे गिर गए। इस प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल भैया और डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके अलावा कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, विधायक जितेंद्र सिंह राठौर, महेश परमार, दिनेश गुज्जर और सज्जन सिंह वर्मा सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 20% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति है और पिछले 10 सालों में गरीबों की संख्या दोगुनी हो गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हम दो हमारे दो के नाम से पहचाने जाने वाले लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। जीतू पटवारी ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अडानी समूह पर शेयर मार्केट में हेराफेरी का आरोप है, जिससे शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। उन्होंने सेवी चेयरपर्सन माधवी पूरी पूछ का नाम लिए बिना उस पर भी निशाना